So you have to implement logic function, this logic function f of a, b, c, d is equal to summation n 2, 4, 5, 7, 10, 14 using a is to 1 multiplex. Okay, so you have to realize this thing using a is to 1 bus. What is 8 is to 1 multiplexer? That means it has got common inputs, 8 inputs and 1 output only. Okay? So this is your logic function F. First, you have to write ABCD. So there are four variables, there will be 15 combinations, starting from 0 to 50. Okay? And outputs are given. This is F2. This is finally 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So these are decimal. So F is 1 for 2, 1 for 4, 10 for 5,
then 47, for 10, and this is a good table for the given function f. Now you have to implement it into a multiplexer. Okay, it is to one multiplexer. So this is 8:1 multiplexer which having 8 inputs I0, I1, I2, I3 up to I7, and these are select lines and one output F. Okay, your output F for F here. This table got to implement. Okay, so here we have three inputs S0, S1, and S2. So you have to have three input lines, three selection lines. Okay, and what we have here four variables A, B, C, D. ठीक है, तो इन चारों में से कोई तीन को आपको क्या लेना है, सिलेक्शन लाइन लेना है. ठीक है, लेट्स सपोज A as input, B, C, D as selection lines. ठीक है, जो इनपुट है यहां पर, ये जो आठ इनपुट मिलेंगे वो A के टर्म्स में मिलेगा आपको, और B, C, D को क्या होगा आपका, सिलेक्शन लाइंस. ठीक है, B, C, D के जो पॉसिबल केस है 0. If you keep this as if all the select lines are 0, so your input will be I0. If this is 100, so what will be your input? I4, yes, 100 I4. Sir, 100 क्यों हुआ? ऐसी मान लिए कि 100 को मैंने इनपुट दिया हुआ है, ठीक है? तो कौन सा सिलेक्शन लाइन लेगा वो? यहाँ पर I4 को इनपुट मिलेगा, ये I4 आउटपुट मिलेगा, ठीक है? मान लीजिए ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि ये तीन सिलेक्शन लाइन ले रहे हो, आपको इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, 00 से लेकर कहाँ तक आपको यहाँ तक 1-1 मिलेंगे, 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे. कोई सा भी आपको ले सकते हो, यहाँ पर ये वैल्यूज चेंज करेंगे. 111 दोगे इनपुट तो क्या मिलेगा आपको? I7. 111 मतलब I7. तो इस तरीके से ये सिलेक्शन लाइन्स का काम होता है, ये जो आप इनपुट दोगे सिलेक्शन लाइन में वो उस हिसाब से उस इनपुट को आउटपुट के बाहर ले जाएगा. ये काम होता है मल्टीप्लेक्सर. ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, ये बल है फोर के लिए, फाइव के लिए, सेवन के लिए, टेन के लिए और फोर्टीन के लिए, ये आउटपुट आपको देना है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम, जो ले रहे हैं हम ये है इनपुट जीरो से लेकर सेवन तक, जीरो से लेकर सेवन तक ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, और एट से लेकर फिफ्टीन तक ए की वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक इसको हम लिख सकते हैं ए बार, एसओपी कर रहे हैं, जीरो मतलब क्या होता है ए बार, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये एट ये होगा एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, इस तरीके से आपको रखना है जीरो से लेकर सेवन तक ए बार के लिए। ठीक है, ये जीरो से लेकर सेवन इसके लिए ए बार के लिए, और एट से लेकर फिफ्टीन तक इसके लिए ए के लिए। ठीक है, तो हमेशा ऐसे बनाना, जैसे के में पढ़ाते हैं वैसे ही है, जीरो 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 ले दिए यहाँ पर, ये जीरो और ये जीरो जीरो, ये जीरो फिर ये वन टू थ्री, इस तरीके से। ठीक है, अब कहाँ कहाँ आउटपुट आ रहा है इसको लिखना है, वन कहाँ पर आ रहा है, टू पर, ये है टू वन, फिर कहाँ आ रहा है, फोर के लिए आ रहा है वन, फिर किसके लिए आ रहा है, फाइव के लिए आ रहा है वन, ठीक, फिर सेवन के लिए वन, फिर टेन में आ रहा है वन, और फोर्टीन में आ रहा है। इस कॉलम में देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, रोज जीरो। सेकंड कॉलम में कोई एंटिटी नहीं है, जीरो। यहाँ पर आपको क्या मिलना है, वन। ठीक है, अगर दो वन है तो ये वन, फिर यहां कुछ नहीं है, ये जीरो। ठीक, यहां पर देखिए वन कहां पर आ रहा है, ए बार में, ये हो जाएगा ए बार। यहां फिर से किसमें आ रहा है, ए बार में आ रहा है वन, यहां पर आ रहा है ए पर, और ये आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो जीरो है, अगर दो वन है तो वन हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक वन है सब में, एक वन किसमें है, किसके करस्पॉन्डिंग भी है, अगर यहां पर एक वन है ए बार के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये वन ए बार में करस्पॉन्डिंग, ये बार है ये ए, फिर ये वन है तो ए, तो ये मिल गया आपको इनपुट्स, आठ इनपुट्स में। ठीक है, ये है आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन, सो दीज आर एट इनपुट्स इट विल बी गिवन टू दिस मल्टीप्लेक्सर। ओके,
So input I naught is 0. So we will provide 0. Okay, ये हो गया logic 0. ये जा रहा है I naught में. ये कहाँ जा रहा है? I1 में भी जा रहा है. ये I1 में. तो कहाँ जा रहा है? I3 में भी. ये रहा I3. फिर 0 कहीं नहीं है. ठीक है? Logic 0 ले लीजिए. कहाँ इनपुट होंगे? I naught में, I1 एंड I3. ठीक है? फिर क्या है? 1. Logic 1. ये सीधा देखोगे आप इसमें I2, ठीक है? फिर I4, I5 और I7 में आपको एक बार देना है. एक हो गया ये और ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा A बार. ठीक है? कहाँ कहाँ देना है आपको? A बार 4 में देना है, 4 में A बार. फिर कहाँ देना है? 5 में देना है A बार को, ये हो गया 5 और I7. ठीक है, एक बच गया है I6. I6 पे इनपुट है A, ये हो जाएगा A I6. ये हो गया आपका इंप्लीमेंटेशन. देखिए वो सिंपल है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ था एफ बी डी सी डी समेशन है Five, seven, and ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा. सबसे पहला काम क्या करोगे? A, B, C, D, ठीक है? इसको बाइनरी में लिख दीजिए A, B, C, D, ठीक है? फिर क्या है? आउटपुट है F. कहाँ कहाँ वन है देख लीजिए. टू पर वन है, फोर पे वन है, फाइव पे वन है, सेवन पे वन है और नाइन पे वन है और थर्टीन पर, फोर्टीन पर वन. वहां वन लिखिए, बाकी जगह क्या लिखोगे उसको? जीरो लिखो. ठीक है, उसके बाद बता देना कि किसको इनपुट ले रहे हो आप. आप किसको इनपुट ले रहे हो? ए को इनपुट ले रहे हो. ठीक है, यू आर फ्री. आप डी को भी इनपुट ले सकते हो, ए बी सी डी, ए ए बी सी को सिलेक्शन लाइन ले सकते हो. लेकिन उसके बाद यहाँ पर लिखे 01 01 01 01 01 ऐसा हो रहा है. तो ये कैसा बनेगा? 01 01 01 01 इस तरीके का बनेगा. इसलिए वो अवॉइड करने के हमेशा ए लेते हैं ताकि ऊपर वाला पूरा ए बार रहेगा और नीचे वाला पूरा क्या रहेगा? ए रहेगा. उस पे कैसा रहेगा? पहला वाला ए बार फिर दूसरा वाला ए नॉट, वो चेंज होता रहेगा अंडरनेथ. ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? ए को इनपुट लेते हैं, ए को हमेशा इनपुट लेते हैं और बी और सी को सिलेक्शन लाइन. ठीक है, 8:1 इन बस का मतलब होता है 8 इनपुट और 3 सिलेक्शन लाइंस. ठीक है, और एक आउटपुट. आउटपुट दे दिया आपको है. ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे आप? सीधा के मैप बनाओगे. ठीक है, यहाँ पर ए इनपुट और बी सी डी आपके लिए सिलेक्शन लाइंस. ठीक है, ये होगा आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री अप टू आई सेवन. ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, 8 से लेकर 15 तक. फिर देखिए वहां पर कौन कौन सा आ रहा है. 1 कहां पर आपका आ रहा है तो उसको आप क्या कर लीजिए? यहाँ वन आ रहा है, यहाँ वन आ रहा है, उसको कर लीजिए. फिर कॉलम वाइज आपको देखना है. अगर यहाँ पर ये जैसे ये दोनों जीरो है, ठीक है, तो ये जीरो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो. अगर दो वन हुआ तो एक वन. ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो, यहाँ पर वन है करस्पॉन्ड टू ए बार, ये हो जाएगा आपका ए बार। फिर से यहाँ वन है करस्पॉन्ड टू ए बार, ठीक है। फिर यहाँ पर वन है लेकिन करस्पॉन्ड टू क्या है ए, इसको लिखोगे ए। फिर यहाँ पर वन है ये ए बार, ये ए बार, ये आपके आठ इनपुट हो, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन इनपुट क्या है जीरो देना है, तीन इनपुट यहाँ पर आई नॉट पर जीरो है, आई वन पर जीरो है एंड आई थ्री पर जीरो है। एक इनपुट पे वन देना है कहां पर आई टू पर, आई टू पे ये एवरी इनपुट वन, ठीक। उसके बाद आई फोर आई फाइव और आई सेवन में ए बार देना है, यहाँ पर ए लिखिए और यहाँ पर नॉट एट लगाइए, उसका विभाजन कर दीजिए, ये हो जाएगा ए बार। ए बार को आई फोर आई फाइव और आई सेवन में दे दीजिए। और एक आप क्या बचा आई सिक्स दे देना है, ए सिक्स आई सिक्स में ए जाना, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। और वहां पर बी बार जो बनाया था मैंने उसके लिए बनाया था कि जब बी ए सेक्शन लाइन हो तो इनपुट का फंक्शन होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन खुद से करो, इंप्लीमेंट डी लॉजिक फंक्शन यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्स। सर 14 के बाद 15, हाँ 15 है। सेम वैसे ही बना रहा है, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ये f of a b c d is equal to summation 0 1 2 3 4 5 4 9 30 40 using 8:1 क्वेश्चन नंबर 2।
सर हो गया सर, हो गया। हाँ बोलूं, रुक जाओ। चैट बॉक्स में लिख दे आई नॉट क्या है, आई वन आई सेवन तक, ठीक है। सर ए बार कैसे लिखूंगा, क्या ए बार कैसे लिखूंगा? ए बार डैश है ना, देख ऊपर में डैश लिखते हैं ना। चल ठीक है, बता दे बता दे। सर ए बार वन, फिर ए बार, फिर ए बार, फिर ए बार, फिर ए ए ए। ठीक है, कितने बार ए बार आ रहा है? सर पहली बार में आई वन में, आई जीरो में ए बार आया है, आई वन में वन आया है, आई टू में ए बार आया है, आई थ्री में ए बार आया है, आई फोर में ए बार आया है, आई फाइव में ए आया है, आई सिक्स में ए आया है, आई सेवन में ए आया है। चार बार ए बार आ रहा होगा। हाँ हाँ। और तीन बार ए। हाँ हाँ। और एक वन है ना। हाँ हाँ। सेकंड पोजीशन में मतलब वो आई वन में वन आया है, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे डायग्राम सब बना लो ना। हाँ सब बना लिया, दिखाऊं? ये क्वेश्चन कैसे बनाना है? सबसे पहला काम आपको एबीसी लिखना है बाइनरी में, फ्रॉम 0 टू 15, ठीक है। 0 से 15 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां पर चार वेरिएबल है। अगर ए बी सी डी ई अब वहां पर लिखते हैं 31, 0 से लेकर 31 तक। अगर ए बी सी होता सेम नहीं होता 7, 0 टू 7, ठीक है। तो यहां पर और ये है समेशन, इसका मतलब होता है कि एसओपी, ठीक है। एसओपी में हम जो आउटपुट है उसको वन लिखते हैं, ठीक है। ये 0 में 1 है, फिर 2, 3, 4, 5 तक, फिर 9 में, फिर 13, 14 एंड 15। ये पहला काम है, ठीक है। दूसरा काम, किसको इनपुट ले रहे हैं यहाँ बता दीजिए। ए इज एज इनपुट एंड बी सी एंड डी select lines, फिर वो एबीसी का जो बनाया था हमने वो बनाना है आपको, ए बी सी ए बी सी डी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और यहाँ पर ये है एफ इनपुट, ये आई नाउ, ये आई वन, ये आई टू, आई थ्री एंड सो, ठीक है। इसको भी बनाना है, फिर आप बनाओगे ये वाला गेम है, ठीक।
तो ये यहाँ पर ए बार ए आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री एंड आई सेवन तक, जीरो से लेकर सेवन तक, एट से लेकर फिफ्टीन तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जीरो में है तो इसको सर्कल कर लिया, फिर वन में सर्कल, फिर टू में सर्कल, थ्री में सर्कल, फोर में, नेक्स्ट कहाँ पर है, नाइन पर है, ये हो गया सर्कल, फिर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ऐसे भी कर सकते हो, वन वन लिख के भी कर सकते हो दोनों से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ही सर्कल है, ठीक है, एक ही है, ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार, ठीक है, दोनों दोनों में वन है, ये दोनों सर्कल बन रहे हैं तो मतलब क्या होगा, वन, ठीक है, ये हो जाएगा वन। यहाँ पर देखिए टू पे बस सर्कल है, किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ए बार, फिर थ्री ए बार में, फिर फोर ए बार, देन आई फाइव आई सिक्स एंड आई सेवन लोअर वैल्यू को एंसर कर रहे हैं, दैट इज ए, ये हो गया ए, ठीक है। तो जो आठ इनपुट है उसमें चार ए कॉम्प्लीमेंट है, तीन ए है और एक वन लॉजिक वन, यहाँ पर जीरो की आपकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके आठ इनपुट्स, ठीक है, ये हो गया मैंने ए, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये ले लिया वन लॉजिक वन, ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए बार और ये ए बार, ठीक है। तो पहला जो आई नॉट है वो कहां जा रहा है, ए बार, ये है आई नॉट, फिर आई वन में क्या जा रहा है, वन, ये गया वन, फिर टू थ्री फोर तक ए बार, ठीक है, टू तक, थ्री एंड फोर, ये गया ए बार, और उसके बाद के सब ए है, ये है ए, दिस इज योर इंप्लीमेंटेशन, सिंपल, ठीक है। आप कैसे भी दे सकते हो इनपुट को, वहां पर ए को अलग बना लिए, बार अलग बना लिया, वन और सी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंप्लीमेंट दिस फंक्शन यूजिंग ए इज टू वन मल्टीप्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर फुल एडर यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्स, यूजिंग फुल एडर, फुल एडर, using 8:1 multiplex, मतलब आपको हाफ एडर बनाना है using 8:1 multiplex, ठीक है। Thank you.
लेटर क्या होता है, ये तीन बिट को ऐड करता है, इनपुट्स होते हैं ए बी एंड सी इन, आउटपुट क्या होता है सम एंड कैरी आउट। ओके तो पहले सम के लिए करते हैं, सो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 1 0 प्लस 1 प्लus 0 is 1 1 प्लस 1 is 0 1 प्लस 1 is 1 1 प्लस 1 is 0 1 प्लस 1 is 0 1 प्लस 1 प्लस 1 is 1 ये हो गया सम। अब आपको इसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग a बेस टू 1 मल्टीप्लेक्स। कैसे करोगे? नहीं, यहाँ पे इनपुट कितने हैं? हाँ, इनपुट चार, तीन इनपुट हैं। सिलेक्शन लाइन कितने होते हैं? तीन ही होते हैं, तो आप अलग से कोई इनपुट नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है? तो सिलेक्शन लाइंस विल बी नाउ ए बी सी। A B C. These are summation line, and if you want to write the function sum, sum will be equal to summation m. यहाँ का मान हो रहा है यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ऐसी मत में लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कहाँ हो रहा है ये? वन पर हो रहा है, टू फोर एंड सेवन, ऐसे ही सकते हैं इसको। ट्रुथ टेबल से मैंने इसको फंक्शन लिखा, तो आप इनपुट कैसे दो गया? हाँ, ये कैरी नहीं से नहीं पता, बस सम के लिए कैरी कैसे जा रहा है। चार वेरिएबल था तो हमने क्या किया, एक को इनपुट लिया और बाकी को सिलेक्शन लाइन लिया। तो अगर तीन वेरिएबल दिए हैं तो क्या करते हैं, ए बी सी वन अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, हाँ आंसर इसी में है, दिख भी रहा है। नहीं नहीं ले सकते ना आप इनपुट, यहां मुझे क्या देना होगा सर? ऐसा होगा क्या, उसमें जीरो है उसमें ए बार हो जाएगा, उसमें वन है वो वन होगा। हाँ मतलब सम का बार हो जाएगा, है। देखो जब ये है आई नॉट, ये है आई वन, ये है आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन, तुझे याद है तो तीन वेरिएबल लिए थे, तो आई नॉट से लेकर आई सेवन तक, ठीक है? आई नॉट कब मिलेगा जब सम जीरो होगा, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर लॉजिक, ये ले लो लॉजिक वन और इसको ले लो लॉजिक जीरो, सिंपल। तो जब जीरो है आई नॉट के, ठीक है? फिर कहाँ जीरो है आई थ्री के लिए, ये हो जाएगा जीरो। फिर कहाँ जीरो है आई फाइव और आई सिक्स, बस उनको जीरो दे दो, बस आउटपुट वही है ना। जब आपको जिस हिसाब से चाहिए सम पर जीरो जीरो है, जब ये आई नॉट आई थ्री और आई फाइव और आई सिक्स ये जीरो है, ठीक है? और वन इनपुट कब कब के लिए है, आई वन बाकी जो बचा है, ठीक है? ये बचा है, ये आ गया। ये बचा सिंपल, ठीक है? तो
जब भी 8:1 का अगर आपको इंप्लीकेशन आएगा ठीक है, जो आउटपुट लिखा डायरेक्ट दे दीजिए बस। अब इसके बाद क्या है, कैरी बचा, जीरो जीरो नो कैरी, नो कैरी वन जीरो कैरी 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 का समेशन एम कहाँ कहाँ हो रहा है, थ्री पर हो रहा है, फाइव सिक्स से कैरी में इंप्लीमेंट कर लीजिए। कैरी के समय I3 में 1 देंगे, I5, I6 और I7 में आप क्या दोगे, 1 इनपुट, ठीक है। आप इसके जस्ट नीचे भी डाल सकते हो, आप जस्ट इसके नीचे इस तरीके से, क्योंकि हाँ ABC वही रहेगा आपका इनपुट्स, ठीक है। ये हो जाएगा ABC और ये ABC 1 मार्क्स। क्योंकि सिलेक्शन लाइन सेम है, आप अलग अलग भी बना सकते हो, एक के नीचे एक भी बना सकते हो, क्योंकि जो आपके सिलेक्शन लाइंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।